हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एक वीडियो। ब्रेड से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तवा रखना है। तवे पर घी या बटर डाल के ब्रेड को बहुत अच्छे से सेक लेना है, बिल्कुल टोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं घी डाल रही हूँ और ब्रेड को अच्छे तरीके से टोस्ट करना है, सेकना है दोनों साइड अच्छे से पलट के। तो यहाँ पे मैं दो ब्रेड ले रही हूँ और दोनों ब्रेड का जो साइड के जो कॉर्नर है ब्राउन कलर के, साइड साइड से आप चाहें तो नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। वैसे वीडियो में ऐसा ही दिखा रहा था, अलग कर दिया गया था, बट मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से दोनों साइड से सेक लूँगी। बनाने में सिर्फ आपको 2 मिनट लगेगा और जब मैंने इसे टेस्ट किया ना तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छी वीडियो है। वैसे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, मैंने देखा स्क्रॉल करते हुए। तो शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो बहुत सारी बनी हुई थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो बस अच्छे तरीके से घी बटर लगा के आपको इसे सेक लेना है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये थी ऐसी ब्रेड से बनी हुई है रेसिपी और सभी को बहुत पसंद आती है। तो बस अच्छे से इसे हम टोस्ट कर लेते हैं। तो इसे थोड़ा क्रिस्पी होने तक और ब्राउन कलर के होने तक हमें टोस्ट करना है। घी और बटर कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप डालना चाहें। थोड़ा सा इसे क्रिस्पी करने के लिए मैं इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, 2 चम्मच के करीबन मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। और जब ये आप बनाएं ना तुरंत इसे सर्व कीजिएगा, तुरंत खाइएगा, आपको देखिएगा बहुत पसंद आएगा। तो ये अच्छे तरीके से हो चुका है, उसके बाद हमें इसमें मिल्क डालना है। तो ये इस तरीके से मिल्क डालना है और मिल्क अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए ब्रेड में, ब्रेड जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क डाल दिया है और अच्छे तरीके से हम पलटते हुए सेक लेंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल रही हूँ ताकि दूध के साथ में शक्कर जो है वो घुल जाए। वैसे इसमें सभी लोगों ने हनी डाला था बट हनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं सोची थी क्यों ना मैं शक्कर डाल के ट्राई करूँ। तो शक्कर डाल के भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, बहुत मज़ा आया था इसे खाने में। यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया। थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ दूध जिससे कि शक्कर और अच्छे तरीके से घुल जाए। और दूध भी अच्छे तरीके से ब्रेड में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमारा मज़ेदार सा रेसिपी बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये लीजिए, फटाफट से हमारी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको पसंद आएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।